ଓଡ଼ିଶାର ଚିର ସହଚର ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଠାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ କିଭଳି ତାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେବ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର କିପରି ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ କରିପାରିବା, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବାହିନୀ ମୁଣ୍ଡୁଳି କଟକର ଏକ ଟିମ୍ ଗୁଣପୁରସ୍ଥିତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଆଣିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ସହ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। नमस्कार, मैं सब इंस्पेक्टर डीके पांडे और हमारे साथ में सब इंस्पेक्टर रुचन हैं। हम लोग एनडीआरएफ थर्ड बटालियन उड़ीसा से आए हुए हैं, थर्ड बटालियन कटक से। हम लोग यहाँ आए हुए हैं फेमिनाइजेशन एक्सरसाइज के लिए, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए और स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के लिए। तो उसके लिए उसी मकसद से हम यहाँ आज ये उड़ीसा आदर्श विद्यालय आए हुए थे। यहाँ पर हमने कई सारे एक्टिविटीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को, टीचिंग स्टाफ्स को अवेयर करवाया। उसमें से सबसे पहला इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइसेस, मतलब फ्लड के दौरान आपको क्या करना है वो चीज़। इसके अलावा अर्थक्वेक के दौरान स्टूडेंट्स लोग क्या करेंगे, है ना, कैसे अपने आप को इवैक्यूएट करेंगे, उसके बारे में जागरूक कराया। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो किसी भी विक्टिम को कैसे फर्स्ट एड देना है और उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना है हर मेडिकल के लिए, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इन चीज़ों के बारे में हमने स्टूडेंट्स को अवेयर कराया। गुणपुरु कान्हू चरण पाढ़ी की रिपोर्ट, ओडिशा हलचल।